हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय वन ऑफ द सब्सक्राइबर, सो ध्यान से देखिए कि क्या क्या इश्यूज इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन में केवल दो ही चीजों की प्रॉब्लम आती है, पहली है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना और दूसरा कि किसी भी सीक्वेंस को एपी कैसे प्रूव करना होता है। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए, क्वेश्चन क्या आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। In which of the following situations? जो नीचे लिखी सिचुएशन मैंने अभी पार्ट वन लिखा है, 2, 3, 4 में चारों पार्ट आपको करके बताऊंगा। इसके अंदर जो नीचे लिखी सिचुएशंस हैं, उनमें से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगी, यानी एक आपके पास सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस को आपको चेक करके बताना है कि क्या वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहली स्टेटमेंट यानी फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। The taxi fare after each kilometer, when fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. तो इसका मीनिंग समझते हैं। The taxi fare after each kilometer, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है वो चेंज होगा, बदलेगा। When, जबकि फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर है 15 रुपए और हर एडिशनल किलोमीटर यानी अगला एक और किलोमीटर चलेंगे तो उसमें 8 रुपीज और एड ऑन हो जाएंगे। तो इसका हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले किलोमीटर के लिए रुपीज 15 है, दूसरे किलोमीटर में उसमें रुपीज 8 और, एक किलोमीटर अगर टैक्सी चली तो आपको 15 रुपीज पे करने हैं। अगर आप 2 किलोमीटर चलेगी तो 15 + 8 यानी 23 रुपीज पे करने हैं आपको, और अगर एक और किलोमीटर चलती है 31, एक और किलोमीटर चलती है 39 एंड सो ऑन। नाउ ये आपके पास सीक्वेंस आ गया, इस सीक्वेंस को अब हम चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका है, अब आपके पास ये हो गई टर्म A1 फर्स्ट टर्म, ये हो गई A2 सेकेंड टर्म, A3, A4। आपको क्या करना है, A4 में से A3 माइनस करके चेक करते हैं, 39 - 31 दैट इज 8। फिर आप A3 में से A2 को चेक किया, 31 - 23 दैट इज ऑल्सो 8। A2 में से आपने A1 को सब्ट्रैक्ट करके देखा, 23 - 15 दैट इज ऑल्सो 8। तीनों केसेस में ये नंबर 8 आया है यानी सेम आया है। अगर ये डिफरेंस सेम रहता है तो इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी अगर सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाए ऐसे सीक्वेंस को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। ओके, सेकेंड पार्ट के अंदर स्टेटमेंट क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो इस स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि क्या कहा गया है, फिर इससे हम अपना सीक्वेंस बनाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। कहता है एक सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट है एयर का प्रेजेंट, अब उसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा करके रिमूव किया हमने 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यानी सबसे पहले जितनी भी उसमें एयर थी यानी हवा थी हमने 1/4 रिमूव कर दी तो बची हुई एयर यानी हमारे पास टर्म बनेगी। उसके बाद जो बची हुई उसका फिर से 1/4 हमने रिमूव कर दिया, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। यहां पर इस स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। स्टूडेंट्स इसी चीज में गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर एयर है हर बार 1/4 उसी का ही सब्ट्रैक्ट करना है। नो, अब जो बच गई है फर्स्ट पार्ट के बाद, मान लेते हैं लेट द एयर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग
is x unit cube. Because it is a volume, so obviously we'll take it as a unit cube. अगर स्टार्टिंग के अंदर x है तो इसका मतलब हमारे पास स्टार्ट होगी जो टर्म सीक्वेंस बनेगा वो पहली टर्म आ गई हमारे पास x. अब कहता है वन फोर्थ ऑफ द एयर, अब वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है तो दूसरी जो टर्म बनेगी वो इस x में से 1/4x रिमूव करके बनेगी और जो थर्ड टर्म बनेगी दैट विल बी ये जो सेकेंड टर्म है उसमें से 1/4 ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग थी इसको रिमूव करके बनेगी एंड सो ऑन. सो पहली टर्म आपके पास आ गई x, दूसरी टर्म अगर इसका हम एलसीएम लें एलसीएम 4 4x माइनस x, कॉमा यहां पर भी 4x माइनस x/4 माइनस 1/4 ऑफ 4x माइनस 4 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म आ गई x, नेक्स्ट टर्म आ गई आपके पास 3x/4 और उससे नेक्स्ट टर्म यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 16, ये आया आपके पास 3x/4 माइनस 3x/16. इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म x, नेक्स्ट इज 3x/4 एंड नेक्स्ट एलसीएम आ गया आपके पास 16, 4 3's are 12x minus 3x means x 3x/4 and so on. 12x में से 3x गए 9x/16. This is your a1, this is your a2 and this is your a3 and so on. अगर हम तीन टर्म्स के अंदर से ही अंदाजा लगा लेंगे कि अगर इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, सो इसको मैं रब कर लेता हूं, यहां पर मैं आपको डिफरेंस करके दिखाता हूं. तो ये a1 a3 माइनस a2 चेक किया आपने, दैट इज 9x/16 माइनस 3x/4. एलसीएम इसका मैं 16, 9x माइनस 4 4's are 16, 4 3's are 12, दैट इज कम एज -3x/16 और a2 माइनस a1 आपने चेक किया दैट इज 3x/4 माइनस एक्स, द एलसीएम इज कम एज 4, दैट इज कम एज -1/4x. द डिफरेंस ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन ने जो सीक्वेंस हमें बना के दिया वो सीक्वेंस हमारा एपी नहीं है क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है. सो नॉट एन एपी, उसने क्वेश्चन में पूछा था एंड वाई, यू कैन राइट वाई बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट सेम. अब बात करते हैं पार्ट थ्री की. पार्ट थ्री के अंदर जो स्टेटमेंट बोलती है वो कह रही है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. यानी क्या कह रहा है, एक कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है डिग करने की हर एक मीटर के बाद चेंज होती है. स्टार्टिंग में पहले मीटर के लिए वो कॉस्ट है ₹150 और हर एक मीटर पर जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं तो वो ₹50 और इंक्रीज. यानी पहले मीटर के लिए वो ₹150 है, अगर आप 2 मीटर कुआं खोदते हैं तो वो ₹200 हो जाती है, अगर आप 3 मीटर खोदते हैं तो वो 250 हो जाती है, अगर आप 4 मीटर खोदते हैं तो वो 300 हो जाती है. तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म यानी A1, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म. अब इस सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो वही आप पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे, A4 माइनस A3 दैट इज 300 माइनस 250 दैट इज 50, A3 माइनस A2 दैट इज 250 माइनस 200 दैट हैज कम आल्सो 50, A2 माइनस A1 दैट इज 200 माइनस 150 दैट इज अगेन 50. इन सभी सिचुएशंस के अंदर जो डिफरेंस आया है वो सेम आया, यानी द डिफरेंस इज कॉमन. कॉमन डिफरेंस जब आ जाता है तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. यस इट इज an AP.
अब बात करते हैं पार्ट फोर की. ओके, स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. मतलब कि हर साल के बाद आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आएंगे, जब 10,000 रुपीज अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम डिपॉजिट करते हैं, क्या अमाउंट बनेगा. आपको मालूम है अमाउंट का फॉर्मूला होता है, द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आप सभी को याद होगा, क्लास 8th में आपने पढ़ा था, नहीं तो यू कैन रिमेंबर इट राइट नाउ ऑल्सो. सो स्टार्टिंग के अंदर आपने रुपीज 10,000 डिपॉजिट किए, यानी पहले साल के लिए आपके पास 10,000 रुपए थे. अब सेकेंड ईयर के लिए आपके पास हुए 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू द पावर 1. नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास हुए 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स के लिए. लेकिन तीन टर्म्स तक ही बहुत है आपके लिए निकालना. सो पहली टर्म हो गई आपके पास 10,000, सेकेंड हो गई आपके पास 10,000 into 108 by 100 by taking the LCM, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 और 100 का LCM आ गया 100, 100 plus 8 that is 108, 2 zeros से आपने ये 2 zeros cancel की. Next 10,000 into, अब power 2 है तो ये बनेगा 108 by 100 into 108 by 100, in 2 zeros से ये 2 zeros, in 2 zeros से ये 2 zeros cancel हो गई. So, ये आ गया आपके पास 10,000 और 100 इंटू 108 दैट इज कम 10800 और 108 इंटू 108 इज 11,664. So, this is your and so on. This is your first term, second term, third term. Now again, what we will do? We will check whether this is an AP or not. हम इसको रिराइज कर लेते हैं यहां से. आपने चेक किया A3 minus A2. That has come as 11,664 minus 10,800. That has come as 4, 6, 16 में से 8 गया 8. That is 864. A2 minus A1, that is 10,800 minus 10,000, and that has come as 800. Both these terms are different. It means the difference is not common. So it is not an AP. It is not an AP because their difference is not common. Same. Thank you.